नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। खबर है पूर्वी चंपारण से। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम में हुए धांधली के खिलाफ छात्र राजद के द्वारा आज मोतिहारी MS कॉलेज से आक्रोशित मार्च निकाला गया और चंदमारी चौक पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। साथ ही छात्रों के द्वारा नीतीश कुमार मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री शर्म करो, परीक्षा परिणाम में धांधली करना बंद करो आदि नारे लगाते रहे छात्र। वहीं आक्रोश मार्च का नेतृत्व कर रहे छात्र राजद के जिलाध्यक्ष मनदीप यादव ने कहा कि जब से NDA की सरकार बनी है तब से ही शिक्षा व्यवस्था को रसातल में पहुँचाने का काम किया गया है। चाहे परीक्षा किसी भी चीज़ का हो, पेपर लीक का मामला आम बात बनकर रह गया है। वहीं पेपर लीक बच भी गया तो परीक्षा परिणाम में धांधली होना तय है। पूरा व्यवस्था इस सरकार में ध्वस्त हो गया है। अभी हाल ही में बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में व्यापक पैमाने पर जो धांधली हुआ है उस पर जल्द से जल्द दोषी पर कानूनी कार्रवाई करें, नहीं तो छात्र राजद इसे भी बड़े रूप में आंदोलन करने को बाध्य होगी। वहीं पुतला दहन के दौरान शिवम शाह, मुन्ना पंडित, सरोज यादव, अभिषेक कुमार, वसीम आलम, बबलू सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। मोतिहारी संवाददाता प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये महिला रूबी देवी है जो बरवा पंचायत लखौरा जिला पूर्वी चंपारण निवासी कृष्ण कुमार सिंह की पत्नी है। ये महिला मानसिक रूप से बीमार है जिस कारण यह अपने घर से भटक गई है। जिन महानुभाव को ये महिला दिखे वे इसकी जानकारी जरूर दें। जानकारी देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। जानकारी देने के लिए इस नंबर पर कॉल करें 83 40 49 80 10। दूसरा नंबर है 62 023 0 61 91। वहीं तीसरा नंबर है 95 07 88 04 38। धन्यवाद।